हे hey दोस्तों, योर हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के अंतर्गत वायु सैनिक भर्ती रैली का आयोजन किया जाना है। इससे संबंधित नोटिफिकेशन आ चुका है। वायु सैनिक भर्ती रैली 2017 का पूरा डिटेल्स इस वीडियो में हम देखेंगे। 12वीं पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। रिटर्न टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के आधार पर इस पर सिलेक्शन होगा। 45 मिनट का आपका रिटर्न टेस्ट होगा, जिसमें अंग्रेजी, तर्क शक्ति तथा सामान्य जागरूकता के 45 क्वेश्चन रहेंगे। 45 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, जो कि 7 मिनट में पूरी करनी है। उसके बाद 20 उठक बैठक और 10 पुशअप 10 सिटअप आपको लगाने पड़ेंगे। इस तरह से फिजिकल में सिर्फ आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, जो कि टफ रहेगी। बाकी पुशअप और सिटअप्स तो वो उठक बैठक आप लगा लेंगे। लिखित परीक्षा 45 नंबर की होगी, जिसमें अंग्रेजी, तर्क शक्ति तथा सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहेंगे। एलिजिबिलिटी यानी कि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आप सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ आप 12वीं पास हों। उसके साथ साथ अंग्रेजी में भी कम से कम 50 नंबर आपके होना चाहिए। 12वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत वायु सैनिक भर्ती रैली 2017 मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के लाल परेड मैदान में आयोजित की जाने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 13 जनवरी 1998 से 27 जून 2001 तक के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 13 जनवरी 98 से पहले नहीं होना चाहिए और 27 जून 2001 के बाद की डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं होना चाहिए। ये रिक्रूटमेंट रैली 27 व 30 अगस्त को लाल परेड मैदान भोपाल में आयोजित की जानी है। हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। 27 अगस्त को मध्य प्रदेश के 15 जिले धार, डिंडौरी, ग्वालियर, हरदा, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, रायसेन, रायगढ़, सतना, शिवपुर, शिवपुरी, विदिशा और उज्जैन, ये 27 अगस्त को इन जिलों की रिक्रूटमेंट रैली होगी। और 30 अगस्त को ये जिलों जो आपको देख रहे हैं, आगर, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बड़वानी, भोपाल, बुरहानपुर, इंदौर, मंडला, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, उमरिया, सेहोरा, इस तरह से 27 अगस्त को 15 जिलों के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 30 अगस्त को 16 जिलों के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इस तरह से 27 और 30 अगस्त को टोटल मध्य प्रदेश के 31 जिलों के कैंडिडेट की रिक्रूटमेंट रैली इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत भारतीय वायुसेना में भर्ती होने के लिए आयोजित की जाने वाली है 27 अगस्त और 30 अगस्त को। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है। आपको सिर्फ लाल परेड मैदान भोपाल वहां पर जाना है। वहां पर जाकर के सुबह 5 बजे से 10 बजे तक आपको एक टोकन लेना है। सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। लाल कुछ डॉक्यूमेंट आप लेते जाएं। डॉक्यूमेंट मैं बता देता हूं, 7 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स, कलर फोटोग्राफ आपको ले जाना है। 2 लिफाफे आपको लेकर के जाना है, एनवलप, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, 12वीं कक्षा की मार्कशीट, एनसीसी यदि हो तो एनसीसी का सर्टिफिकेट, यदि आपने एनसीसी से हो तो मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेजों के ओरिजिनल और 3-3 फोटोकॉपी, सभी दस्तावेजों की 3-3 फोटोकॉपी, जिस पर आप खुद के साइन कर करके लेके जाना है। इसके साथ रबर, पेंसिल और पेन लेके जाएं रिटर्न टेस्ट के लिए। ये सारी चीजें लेकर के आपको लाल परेड मैदान भोपाल जाना है। वहां से आपको रिक्रूटमेंट में शामिल होने के लिए टोकन मिलेगा। कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है, सिर्फ टोकन लेना है लाल परेड मैदान भोपाल में जाकर के। उसके बाद आप 27 अगस्त और 30 अगस्त में होने वाली रिक्रूटमेंट रैली में सम्मिलित हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि समय बहुत कम है, 3 दिनों का वक्त है, तो जो भी कैंडिडेट इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत भारतीय वायु सैनिक भर्ती रैली में सम्मिलित होना चाहते हैं तो वो जाकर के टोकन जरूर लें। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि मध्य प्रदेश के 31 जिलों के कैंडिडेट का इससे भला हो जाएगा। प्लीज दोस्तों, आप सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह इस वीडियो को शेयर करें, ताकि 31 जिलों के इन सभी कैंडिडेट्स का कुछ भला हो जाए। शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, समय बहुत कम है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों का भला हो सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के बाद हमारे यू हेल्प चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई नौकरी के साथ। थैंक यू सो मच।